सो गाइस, तो फाइनली आज 3 दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरा फ़ोन में पानी चला गया था, तो इसकी वजह से। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें। सिंह, एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं निकला हूँ ऑल इंडिया टूर बाय साइकिल, और अभी मैं हूँ पालाकड़ से 50 किलोमीटर पहले। लाइक पालाकड़ 50 से 60 किलोमीटर है, तो इसलिए मैं कल पहुँचने वाला था पर पहुँच नहीं पाए क्योंकि बारिश की वजह से मैं रुक गया था, रास्ते में स्टे कर लिया था क्योंकि उधर में मेरे को इन्वाइट किए थे बट उधर पहुँच नहीं पाए। तो पालाकड़ में काफ़ी अच्छा जगह है घूमने उमने का, तो मैं उधर अभी निकल रहा हूँ। 50 से 60 किलोमीटर है, मतलब 12 बजे के समथिंग आसपास पहुँच जाऊँगा, उधर घूमूंगा और नाइट में शायद स्टे उधर ही करूँगा। तो मैं इधर से निकल रहा हूँ फटाफट, और स्टे लाइक इधर ही किया था कल रात में, देख रहे हो दुकान उसका अंदर ही किया, मतलब इधर ही किया था, और इधर ऐसे फटाफट निकल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा कि हेल्प किया भैया इधर का, थैंक यू सो मच भैया। इसलिए है नहीं अभी सुबह है, इनका घर थोड़ा सा दूर में है, तो इसने बात किया था, इधर स्टे किया था। तो चलो अभी निकलते हैं फटाफट पालाकड़ के लिए। तो 25 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है और बस 30 किलोमीटर और कंप्लीट करना है। एक घाट है, पहाड़ है छोटा सा, उसको पार कर रहा हूँ, और देखो क्या व्यू है सुबह सुबह, मॉर्निंग व्यू काफ़ी हार्ड है इधर का। देखो गाइस क्या ही व्यू है इस जगह का। सो गाइस देख रहे हो पहाड़, उसके ऊपर अभी अब जाने वाला है ना, इधर के भैया लोग कल मिला है, तो अभी जाते हैं उसको ऊपर, देखते हैं कितना ऊपर जा पाते हैं। गाइस फाइनली आ गया भैया ने लेकर एकदम पहाड़ के ऊपर, क्या ही बताऊं, लाइक ब्यूटीफुल लोकेशन है यार, और देखो इस जगह पे क्या है। ओह शिट, मतलब यार केरला में जो लोकेशन है एक ना, मतलब क्या बताऊं, मतलब बताना जितना तारीफ करूं उतना कम है यार मेरे लिए। वाओ, ओके ओके ओके, हेलो ब्रो, नाइस, रियली ब्यूटीफुल लोकेशन। गाइस अभी इधर से निकल रहे हैं और अच्छा लगा इस जगह का, और अब आगे चलते हैं। Head southwest on... तो गाइस फाइनली आ गया हूँ, बस 1 किलोमीटर और है, उसके बाद इधर ही आज स्टे करेंगे। बस तो फाइनली आ गया हूँ और अभी फ्रेश हुआ हूँ, कपड़ा धो के मतलब धोल के डाला हूँ, और कल सुबह निकलूँगा कोयम्बटूर के लिए। तो गुड मॉर्निंग, मतलब 17 स्टेट आज कंप्लीट होने वाला है,
क्योंकि 17 स्टेट आज कम्प्लीट हो चुका है। मैं तमिलनाडु जा रहा हूँ, कोयम्बटूर। अली मैं कन्याकुमारी डायरेक्ट जाने वाला था केरला से, बट नहीं, मेरे को कोयम्बटूर क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उस कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश लौटूंगा ना, तो उस जगह से मेरे को लॉन्ग पर जा रहा था, इसलिए मैं पहले कोयम्बटूर जा रहा हूँ। तो लाइक कोयम्बटूर इधर से 70 किलोमीटर दिखा रहा है, जो मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ, ईसा योगा सेंटर, उधर मैं जा रहा हूँ एटली सतगुरु से मिलने के लिए। सतगुरु उनका नाम है। तो वो एक्चुअली कल तो नेपाल में थे, देखते हैं आज मिलता कि नहीं है। तो इधर से मैं निकल रहा हूँ 70 किलोमीटर, उसमें से 21 किलोमीटर जंगल है, जिसमें हाथी शेर बहुत कुछ रहता है साथ, ऐसा मैंने सुना है। तो देखते हैं मैं क्या मिलता नहीं मिलता है। और अभी असली मैं क्या ना मॉर्निंग में इंट्रो देना भूल गया था, जिसका घर में स्टे किया था, इसलिए उधर से निकला तो मेरे को याद आया, अरे आज इंट्रो देना भूल गया। तो अभी निकल रहा हूँ फटाफट, और शायद मैं 2 से 3 बजे तक कवर कर लूँगा। बने रहे मेरे ब्लॉग में ऐसे ही। बीस किलोमीटर कंप्लीट हो गया है, और ये पहाड़ सामने दिख रहा होगा आप लोगों का, क्योंकि पहाड़ बस पार करके ही है, बट मेरे को घूम कर जाना पड़ेगा। मतलब ये 50 किलोमीटर घूमना है, लाइक ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस है इधर पहाड़ से अगर पार होकर जाए तो, पर रास्ता नहीं है, लाइक घूम के जाना पड़ेगा मेरे को। फाइनली तमिलनाडु घुस गया हूँ, और अभी बड़ा और ले लिया हूँ, और इधर से 35 किलोमीटर दिखा रहा है। सो गाइस मैं तो पहुंचने वाला हूँ ईसा 25 किलोमीटर समथिंग है, बट उससे पहले मेरे को दो लोग भैया और मैम मिले हैं, और ये भी ऑल इंडिया ट्रैवलिंग कर रहे हैं कार से, और ये आप डॉक्टर हो, तो ऑल इंडिया ट्रैवलिंग कर रहे थे, मेरे को रोके रास्ते में, बोले कि भैया मतलब कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोला ऑल इंडिया ट्रैवलिंग किया, मतलब 17 स्टेट हो गया मेरा कम्प्लीट। तो इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और इन लोग भी मतलब कर रहे हैं, मेरे को भी अच्छा लगा कि मेरे को इसलिए चेन्नई, आप चेन्नई से है, तो इसलिए हिंदी बात करने में लगा उसके बाद, क्योंकि हिंदी बहुत कम लोग इधर जाते हैं। थैंक यू सो मच। फाइनली जाके 5 किलोमीटर बचा है, और 5 किलोमीटर अभी कंप्लीट करूँगा। और एक सरप्राइज है कि उनका आज बर्थडे है, मतलब आज उनका बर्थडे, उनका 65 ईयर्स हुआ है मतलब एज, तो आज उनका जन्मदिन पे हम लोग जा रहे हैं, और लाइक मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वो कल तो नेपाल में थे, आज अवेलेबल है कि नहीं मेरे को पता नहीं है। तब उधर पहुँचते हैं, बस आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा नहीं 20 मिनट और लगेगा, देखते हैं वहाँ पर कैसा हो क्या है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, कभी नहीं गया था। तो फाइनली इस जगह पे आ गया, जहाँ जिस जगह पे टेंपल बना हुआ है मूर्ति, और इस जगह का भी व्यू दिखाते हैं, और इसके बाद फिर जाऊँगा आश्रम के पास। Thank you.
will be joining with us for the session, Jik. Now. This very body is so. My body, your body, everybody. It's just so important. From we are leaving Kolkata, All India Cycling. 17 state complete, 18 state like first day. Fantastic! आप लोगों से मिलकर बहुत मजा आया. सबको मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड को मैं बताना चाहता हूँ. बस मेरा ये शुरुआत है, अभी अंत कहाँ खत्म होगा मेरे को पता नहीं है. अब जा रहे हैं आश्रम में, सारा घूम लिए, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, मतलब इतना पसंद आया इस जगह पे, ऐसा लगा कि हाँ मतलब भक्त हूँ इसका. असली जो जगह बनना है, लाइक इस जगह का जो व्यू है ना, काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर. चलो अब निकलते हैं इधर से और चलते हैं अभी आश्रम, कुछ खाना पीना खाएंगे. अभी जा रहे हैं अंदर आश्रम में, और गाइस फ़ोन का अंदर पानी जो गया था, लाइक उस टाइम तो ठीक था, पर अभी मतलब कैमरा का क्वालिटी एकदम ख़राब हो गया है. अब समझ भी नहीं आ रहा करे जे करे क्या हम. तो फाइनली जाके मैं दो दिन बाद वीडियो एंड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ तीन दिन का पहले का वीडियो था मतलब, और कुछ आज का, तो पाँच दिन का एक साथ ब्लॉगिंग मैं किया हूँ, लाइक बीच में एक दो दिन तो किया ही नहीं ब्लॉगिंग था, तो अभी जाके एंड कर रहा हूँ. और आप लोग बताना इस जगह कैसा लगा, क्योंकि जो मैं जगह दिखाऊँ बस इतना ही दिखा सकता हूँ. इसका अंदर आश्रम है, जो आश्रम काफ़ी सुंदर बना हुआ है, जब आप आओगे इस जगह पर तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या जगह है.
आश्रम के अंदर असली अलाव नहीं है फ़ोन कैमरा कुछ भी नहीं, तो मेरा असली अलाव किया है कैम फ़ोन, बट हम अंदर वीडियो नहीं बना सकते ऐसा है। और बहुत अच्छा मतलब लगा इस जगह पे आके, मज़ा आया। और असली गुरु जी से नहीं मिल पाए सतगुरु से क्योंकि वो थोड़ा बाहर में है, बट कोशिश है कभी ना कभी उनसे मैं मिलूँगा। आई होप आप लोगों के साथ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।